हेलो एंड वेलकम टू आईएनडी लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज है जहां हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक सुपर इजी एंड सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे एंड वेयर यू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। इस कोर्स में वी लर्न अबाउट SIP इन ETFs एंड स्टॉक्स, जो हमारे आईएनडी लर्न सीरीज का 10th कोर्स है। इस कोर्स के एंड तक आपको बेसिक्स ऑफ SIP इन स्टॉक्स एंड ETFs, SIP एज एन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, मैनेजिंग SIP, पावर ऑफ SIP एंड कंपाउंडिंग के बारे में एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। तो लेट्स डाइव इनटू द कोर्स SIP इन ETFs एंड स्टॉक्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि SIP और लमसम इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस क्या है। SIP में आप एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पर, जैसे हर महीने, हर वीक या इवन हर दिन। ऑन द अदर हैंड, लमसम इन्वेस्टिंग में आप एक बार में ही एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। SIP के कुछ इनहेरेंट एडवांटेजेस भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, रुपीस कॉस्ट एवरेजिंग। अब SIP में आप मार्केट के डिफरेंट लेवल्स पर इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए आपके रिटर्न्स एवरेज आउट हो जाते हैं। सेकंड है डिसिप्लिन्ड अप्रोच। लमसम के कंपैरिजन में SIP एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जहां आप रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड इज मार्केट टाइमिंग। SIP में आपको मार्केट टाइमिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप एक प्री डिसाइडेड डेट पर रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और ये यूजुअली एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। आईएनडी मनी ऐप पर आपकी सारी SIPs ऑटोमेटेड होती हैं, तो आपको मैन्युअली उन्हें हर इंटरवल पर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। जैसा कि हमने कोर्स 9 में डिस्कस करा था, ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जिसमें म्यूचुअल फंड्स और इक्विटीज के बेहतरीन फीचर्स कंबाइंड होते हैं। ETFs आपको एक साथ कई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का एडवांटेज देते हैं और उनकी फीस भी दूसरे फंड से यूजुअली कम होती है। पर ETFs में इन्वेस्ट करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, वो ETFs जिनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम लो होती है वो लिक्विडिटी लैक करते हैं, जिससे आपको अपने सिक्योरिटीज को बेचने के लिए सफिशिएंट बायर्स ना मिलने के चांसेस हैं। सेकंड, ETFs आर रिस्कियर देन फिक्स्ड इनकम एसेट्स जैसे ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। ऑल्दो कुछ ETFs आर अ मिक्स ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स, व्हाइल सम अदर्स कंप्राइज ईदर बॉन्ड्स और स्टॉक्स एक्सक्लूसिवली। और जितना हाई प्रोपोर्शन होता है बॉन्ड्स का किसी ETF में, उतना ही लो रिस्क भी होता है। थर्डली, ETFs कैन ऑल्सो इंक्लूड कमोडिटीज लाइक ऑयल एंड करेंसीज लाइक द डॉलर, जो बॉन्ड्स से ज्यादा रिस्की होते हैं। ओवरऑल द रिस्कीनेस ऑफ एन ETF डिपेंड्स ऑन द एसेट क्लास इट होल्ड्स। आप ETFs और स्टॉक्स दोनों में SIP मोड से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्ट ETFs म्यूचुअल फंड से कम एक्सपेंसिव होते हैं और इसी वजह से ये एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स एंट्री और एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो, मैनेजमेंट फीस एटसेट्रा चार्ज करते हैं, जबकि ETFs कंपैरेटिवली लोअर एक्सपेंस रेशियोज चार्ज करते हैं। एंड दिस इज इट। कंग्रेचुलेशंस, आपने SIP इन ETFs एंड स्टॉक्स कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से आईएनडी मनी ऐप पर जाकर आप इस कोर्स की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको आईएनडी मनी ऐप डाउनलोड करना है एंड आईएनडी लर्न पर जाकर SIP इन ETFs एंड स्टॉक्स कोर्स के सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। आईएनडी लर्न एक रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आईएनडी मनी ऐप पर ही फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है एंड यू कैन कंप्लीट मोर ऑफ सच फ्री फाइनेंशियल कोर्सेज बाय सिंपली डाउनलोडिंग द ऐप। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट कोर्स, मास्टरिंग FDs।